अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? यस यस। अच्छा जी, अपने अपने माइक बंद कर दीजिए। कल हमने रूट के हवाले से पढ़ा था और कुछ सीखा था उसके हवाले से। चैप्टर नंबर हमारा 4 था, जिसका नाम था स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारे चैप्टर का नाम था। कल हमने रूट लेना सीखा था कि हम रूट स्क्वायर रूट, यानी स्क्वायर का मतलब था पावर 2, और कि हम किसी भी नंबर के स्क्वायर कैसे ले सकते हैं, स्क्वायर रूट कैसे ले सकते हैं, और अपोजिट करके दिखाया भी था। जैसे कि मान लें अगर ये 9 है और इसके ऊपर इस तरह एक रूट का साइन लगा हुआ है, तो आपसे कह रहा है इसका रूट ले लो। तो मैंने बताया था कि ऐसा नंबर, ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि सेम टेबल पढ़ने पर ये नंबर आ जाए। तो आप जानते हैं कि 3 3 करेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, इसका एक सिंगल पेयर बनेगा तो वो 3 आ जाएगा। ये क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट हो गया। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब था कि साइन प्लस की होनी चाहिए, अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब फिर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा। सर ये सारा हमने कल देख सर जी बोले सर दोबारा समझाइएगा, मैंने लेट ज्वाइन करी है क्लास। बेटा देखें, ये होता है कि जैसे कि अगर ये 9 का, चलो 9 छोड़ दो, 81 है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि ऐसा टेबल पढ़ो कि जिसमें ये सेम टेबल पे ये नंबर आ जाए, सेम टेबल पे, अलग अलग टेबल पे नहीं आना चाहिए, सेम टेबल पढ़ने पर ये नंबर आ जाए। तो 81 जो है वो 9 9 पर आता है, ठीक है। ये 2 का एक सिंगल, 2 का पेयर बन गया, इसको एक दफा करके लिख दो 9, तो ये 81 का क्या हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। तो स्क्वायर रूट लेने का मकसद होता है कि सेम टेबल पढ़कर एक नंबर आ जाए, ठीक है। अच्छा ये तो बहुत आसान है, ये आप कर सकते हैं, आसान इस तरह से नंबर दिए जाए, और बहुत हार्ड नंबर, थोड़े बहुत मुश्किल नंबर होंगे तो आप कैलकुलेटर से कर लेंगे। कैलकुलेटर से सेम टेबल पढ़ते चले जाओगे, पढ़ते जाओगे नंबर आता चला जाएगा। लेकिन कब तक पढ़ोगे? कोई मान लो बहुत बड़ा नंबर आ गया, तो क्या 182 तक का अगर पढ़ना पड़ा तो क्या 182 × 182 तक का लिखते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे? तो बहुत मुश्किल है, तुक्के लगाना पड़ेंगे, कितने तो इतना तो सोचना पड़ेगा कि कहाँ लगाएं क्या करें। तो क्या कोई ये छोटे नंबर के लिए ये वाला मेथड बहुत अच्छा है कि अगर छोटे नंबर आते हैं तो उन पर अगर हम वाले मेथड से रूट निकाल लें, स्क्वायर रूट, तो बहुत आसान है, ये स्क्वायर रूट मेथड कहलाता है। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाए तो फिर कैसे करेंगे? फिर तो कंफ्यूजन है, कर ही नहीं पाएंगे इस तरह। तो मुझे आप बताएं कि अगर मैं आपके सामने ये एक नंबर लिख दूं कि 3 6 0 1 2, मैं बोलूं इसका रूट ले लो, पता भी नहीं चलेगा रूट कैसे आएगा इसका, 5 नंबर आ रहे हैं तो आपको तो पता ही नहीं है कि 5 नंबर पे कौन सा सेम टेबल पढ़े कि ये नंबर आ जाए। तो कितना कैलकुलेटर से चेक करोगे, कितना ज्यादा एरर आएगा, तो मुश्किल है ना। तो हमें एक मेथड मिलता है, एक मेथड है कि जिस मेथड से हमारे पास बड़े से बड़ा नंबर आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर हो, तो हमारे पास अगर बड़े से बड़ा नंबर भी आ जाए तो हम वो क्वेश्चन कर सकते हैं। उस मेथड का नाम है हीरो मेथड। हीरो हीरोस मेथड। अब ये हीरोस मेथड कहलाता है। आप बेटा ये कोई एक्टर नहीं है,
तो यहाँ आपके जहन में आ रहा हो ये एक्टर एक्टर वाला मेथड होगा, किसी सलमान खान ने शाहरुख खान ने लॉन्च करवाया ये किसी ने लॉन्च नहीं करवाया, ठीक है। तो ये बेसिकली ग्रीक मेथड था, और तो कोई साइंसदान थे जिनका नाम सॉरी कोई मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था हीरो, तो उन्होंने अपने नाम से इस मेथड को लॉन्च कराया, और ये वो मेथड है जिससे आपको बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट आप इजीली ले सकते हैं, बहुत आसानी से आप स्क्वायर रूट किसी भी बड़े से बड़े नंबर का ले सकते हैं। तो सर किस तरह करना है, अब मैं आपको एग्जाम्पल क्वेश्चन करा रहा हूँ, जैसे कि अगर मान लें आपसे कहता है कि स्क्वायर रूट लें आप, ये एग्जांपल क्वेश्चन है बेटा, 6724 का, इसका आपको स्क्वायर रूट लेना है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो अब इतना बड़ा नंबर आ गया तो आप कैसे करोगे, प्रॉब्लम होगी। तो फिर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे हीरो मेथड को, और हीरो मेथड कैसे सॉल्व होगा इस बात को देखिएगा। पहले आपने जो क्वेश्चन दिया जाता है इसको वैसे का वैसे लिख दो सर, दो दो नंबर का पेयर बना लो जी, क्या बोल रहे हैं अच्छा जी, पहले क्वेश्चन को लिखा, उसके बाद आपने करना क्या है, दो दो नंबर का पेयर, तो यानी पहले देखें 67 का पेयर बन गया और फिर 24 का पेयर बन गया, तो दो दो नंबर का पेयर बन गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझिएगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। फिर आपने इस तरह से एक कॉलम बनाना है, ये इस तरह कॉलम बन जाता है, ठीक है, जैसे एलसीएम का होता है। अब इस साइड पर जो टॉप पर होता है आंसर आता है, यहां पर आपके फैक्टर्स आते हैं, यानी कि यहाँ पे वो नंबर आते हैं जो मल्टीप्लाई होके ये नंबर लेकर आएंगे। अब करना क्या है, करना हमें ये है कि अभी दो का पेयर बन गया ना 67 का, तो अब आप ऐसा टेबल पढ़ो कि सेम टेबल पढ़ने पर या तो 67 आ जाए या 67 से कम नंबर आ जाए। बेटा याद होगा एलसीएम लेते थे, जैसे कि अगर मान लो ये 24 है, इसका एलसीएम लेना है तो एलसीएम लेते थे, ऐसे लेते थे ना भाई 2 12, तो तकरीबन वैसा ही है। बस आपको इसमें करना क्या है कि अब आप ऐसा टेबल पढ़ो कि सेम टेबल पढ़ना है। सर सेम टेबल क्यों पढ़ना है, क्योंकि अब बताया है कि स्क्वायर रूट में हमेशा सेम टेबल पढ़ा जाता है, अलग टेबल नहीं पढ़ा जा सकता। तो अब करना क्या है, ऐसा टेबल पढ़ो कि सेम टेबल पढ़ने पे या तो 67 आ जाए एग्जैक्टली या 67 से कम नंबर आ जाए। तो अब मसला ये है कि आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर लो ताकि सॉल्व आसानी से हो जाएगा। अब देखो मैं अभी क्योंकि पहला क्वेश्चन है तो मैं आपको मैनुअली समझा देता हूँ। अब ऑब्वियस बात है 2 2 पे नहीं आएगा, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49 और 8 8 64। तो देखिए याद रखिएगा 8 8 पे क्या आया, 64 आ गया, यानी ये सेम टेबल पे आ गया। अच्छा अगर मैं 9 9 करूं तो 81 आ जाएगा, तो 81 तो 67 से बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, तो हम से छोटा नंबर लेंगे और वो हम लेंगे 64। तो हम लिखेंगे किस तरह इसको, हम लिखेंगे इसको ऊपर लिखेंगे 8 और नीचे भी लिखेंगे 8, तो 8 8 64। और जो नंबर आपने यहां सपोज करा है, ये सपोज नंबर है ना, क्योंकि सोचा है आपने माइंड से, तो तब भी सपोज नंबर कह रहा हूं मैं, तो जो नंबर आपने यहां सपोज करा है तो आंसर साइड पे भी वो नंबर लिखोगे, यहां पर भी 8 लिख दोगे आप। तो और इस तरह से एक आपने लाइन डाली या माइनस लगाया, आप 67 में से 64 को माइनस कर दो, क्या बचेगा, 3 बच जाएगा, और ऊपर से ये 24 का पेयर ऐसी का ऐसी उतर जाएगा, ये पूरा पेयर उतरेगा, एक एक नंबर नहीं उतरेगा, पूरा का पूरा पेयर उतरता है, सही है। अब क्या करना है, अब देखो यहां पर ये जो 8 8 है ये प्लस हो जाएगा, बेटा इस बात को याद रखना कि यहां पर 8 8 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16।
16 हो जाएगा, प्लस हो गया। अब क्या करना है, अब अगेन कोई ऐसा सेम नंबर सपोज करना है, सेम नंबर होना, सेम नंबर चाहिए कि वो सेम नंबर सपोज करना है कि इससे मल्टीप्लाई करे और ये नंबर आ जाए, यानी ये तीनों नंबर आ जाए या तीनों नंबर से छोटा नंबर आ जाए। तो अच्छा आप जैसे मान ले वन है, तो वन ऊपर भी लिखोगे नीचे भी लिखोगे, जैसे यहां पे लिखा था दो टाइम, तो ऐसे यहां भी दो टाइम लिखा और एक मरतबा आंसर साइड पे लिखा। आप अगर इसको मल्टीप्लाई कराओ तो देखो, मैं इसको यहीं पे लिख रहा हूं, वन वन जा वन, वन सिक्स जा सिक्स और वन वन जा वन, तो ऑब्वियस बात है कि वन से तो आंसर उसका वही आ गया, तो वन इसका मतलब ये फैक्टर सही नहीं है, यानी हमने जो ये नंबर वन सोचा तो ये सही नहीं है। और हमेशा याद रखना वन की एक प्रॉपर्टी होती है, वन एक नंबर है ना, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, और प्रॉपर्टी ये होती है कि वन जिस नंबर से मल्टीप्लाई करता है या डिवाइड करवाता है तो उसके आंसर के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर अनचेंज रहता है। तो जो चीज वन से मल्टीप्लाई करती है उसका आंसर वही आ जाता है, तो इसलिए वन कभी भी सपोज मत क्या करो, वन सपोज करोगे आंसर चेंज नहीं होगा, तो इसलिए हमेशा टू से शुरू क्या करो, टू से चेक करा करो। अच्छा बेटा थोड़ा सा ये मेथड ना है तो आसान इजी है, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन के बगैर नहीं कर सकते, तो चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर लो, बस नंबर या सपोज करते जाओ या ऐड करा और नंबर सपोज करते जाओ और आंसर निकालते जाओ, देखना कोई ना कोई नंबर पर आंसर आ ही जाएगा। अब वन से देखा था वन से नहीं आ रहा तो हम टू से देख लेते हैं, तो दो नफा यहां पे सपोज करा नंबर, एक दफा ये आंसर साइड पे लिख दिया, ठीक है। अब टू टू जा फोर, टू सिक्स जा ट्वेल्व, टू यहां वन कैरी, टू वन जा टू और टू में वन ऐड कर दो ये कैरी वाला, तो ये थ्री हो जाएगा। तो देखो आगे थ्री टू फोर, तो यहां आपने लिख दिया थ्री टू फोर और यहां से मिटा दो, क्यों, यहां पे हम रफ कैलकुलेशन कर रहे थे, ठीक है। तो ये आप खत्म हो गया, माइनस करवाया खत्म हो जाएगा, और ये यहां पर मैंने बताया यहां ऐड हो जाता है, तो 162 के अंदर 2 ऐड कर दो, 2 और 2 4 और 6 यहां आ गया, ये बना गया, ये ऐड हो गया, और मैंने आपको बताया था ये वाला आपका आंसर होता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो ये जो 6724 है इसका रूट क्या है, 82। आप इसको सर कैसे बता के 82 है, कंफर्म कैसे होगा, वेरीफाई कैसे करें, तो बेटा यहां पर आप वेरिफिकेशन कर लो, और वेरिफिकेशन कैसे करोगे, ये जो आंसर आता है यानी 82 इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करवा दो 82, तो जरा कैलकुलेटर उठाओ और चेक करके बताओ 82 मल्टीप्लाई 82 क्या आंसर आ रहा है, जल्दी बताओ आंसर। जी आंसर बताओ बेटा क्या आंसर आ रहा है, 6724 आ रहा है 6724। तो देख लो इसी का रूट लेना था, तो सेम टेबल को पढ़ाने के बाद हमारा ये आंसर आ गया। तो हमारा रूट क्या है बेसिकली, आप इसको लिखोगे कैसे ये देख लो, के आपने लिखा रूट के अंदर 6724 और इसके आगे इज इक्वल टू लगा के, क्योंकि दो होता है तो एक दफा लिख देते, तो एक लिख लिया 82 और ये आपका आंसर आ गया। सर ये जो टेस्ट होगा इसमें कैलकुलेटर, सर ये जो टेस्ट होगा इसमें कैलकुलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं? जी जी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी क्या बताएं, अच्छा अब देखें अगर आप के आंसर आ रहा है 82 मल्टीप्लाई 82 6724, तो अगर कैलकुलेटर से डायरेक्ट करते हैं वो पहले वाले मेथड से जो मैं पहले पढ़ा रहा था कि सेम टेबल को मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, तो ऐसे 82 तक कैसे मल्टीप्लाई कराते, क्या 2 3 4 5 6 7 ऐसे हर टेबल को मल्टीप्लाई करवाना पड़ता, तो 82 टाइम मल्टीप्लाई करवाते, इतना लंबा तक मल्टीप्लाई करवाते रहते तो फिर जाके ये आंसर आता। तो इससे मच बेटर हमारे पास ये मेथड था कि हम इस मेथड से पढ़े और हमने मिनटों के अंदर सिर्फ और सिर्फ
चार से पांच मिनट लगेंगे आपका क्वेश्चन डन। देखिए चार से पांच मिनट अभी क्यों लग रहे हैं, क्योंकि मैं समझा रहा था और पहला क्वेश्चन था, लेकिन जब आप दो तीन क्वेश्चन से रिलेटेड कर लोगे तो आप यूज हो जाओगे, तो तीन से चार मिनट लगेंगे आप पूरा पूरा क्वेश्चन डन कर लोगे। तो क्या आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? यस सर आ गया। सर अगेन समझाना है सर। अगेन समझा दो की बोले सर, मेरा मंथ ऑफ जुलाई का ना काम इनकम्प्लीट है, तो आप उसके काम की रिकॉर्डिंग सेंड कर देंगे प्लीज? बेटा उस काम की रिकॉर्डिंग नहीं है, उस वक्त लेक्चर की रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं थी, इसलिए जुलाई की रिकॉर्डिंग नहीं है। आज जो लेक्चर दिया इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको। जुलाई की रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, हुई नहीं थी मतलब, तो अगर वो हुई नहीं थी तो उसके लिए जून का ज्योमेट्री बता दें। जून का ज्योमेट्री? यस बेटा आप एक काम करो, आप ना कौन से कैंपस के हो आप? कैंपस वन चले जाओ, वहां पर कोई ना कोई टीचर होंगी, वो आपको समझा देंगी। वहां पर बोल दीजिएगा कि मेरी क्लास मिस हो गई थी तो इसलिए मैं समझने आया हूँ, तो वो समझा देंगे आपको वहां पर। ओके ठीक है, तो मैं ऐसे क्लास में अभी मुश्किल है नहीं समझा पाऊंगा। अच्छा जी, अब मैं ये क्वेश्चन रेस कर रहा हूँ, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। अब मैं इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आपको ये मजीद क्लियर हो जाए। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, तो रिकॉर्डिंग में से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर क्वेश्चन को कॉपी कर लेना। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ आप लोगों को। जी क्या बोल रहे हैं? एक्सरसाइज पे से करवा दीजिए ना। अच्छा जी, जी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा सही है, तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ ताकि मजीद आपको समझ में आ जाए। ये भी एक एग्जांपल क्वेश्चन है, मैंने लिखा 6806 25। अब ये 6 नंबर आ गए और मुश्किल है, तो कैसे करेंगे? देखें हम उसी मेथड को अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा 6806 25 और इसका दो दो का पेयर बना दिया। अब क्या करना है? अगेन हमें वही काम करना है कि ऐसा टेबल पढ़ो कि सेम टेबल पढ़ने पर ऐसे दो दो को पेयर को सॉल्व करते हैं कि या तो 68 आ जाए या 68 से छोटा नंबर आ जाए। तो अभी हम पीछे भी कर आए तो छोटा नंबर 64 ही आएगा, 8 8 64। तो अगर हम 99 से कराएंगे तो 99 पर 81 आएगा, तो वो बड़ा नंबर हो जाएगा। तो हम 8 से चेक करेंगे तो 8 × 8 और एक आंसर साइड पे जाएगा, तो 8 8 64। ठीक है यहाँ प्लस होगा और यहां से 64 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा? 4 बच जाएगा। और अभी जो 06 का पेयर है ये पूरा का पूरा पेयर ऐसी का ऐसी उतर जाएगा, यहां पर ऐड हो जाएगा तो 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब कोई नंबर सपोज करेंगे यहां पर दो टाइम के मल्टीप्लाई करने पे या तो 406 आ जाए या 406 से छोटा नंबर आ जाए। तो अभी हमने इससे पहले 2 नंबर सपोज किया था, 1 से तो नहीं होगा, 2 से करा था, तो हमारा आंसर आ रहा था तकरीबन 324। तो 324 छोटा नंबर है तो हम चेक कर लेते हैं 3 से। तो 3 से चेक करते हैं, 3 3 9, 3 6 18, 1 कैरी, 3 1 3 और ये 4। तो आपका आंसर आ रहा है 489। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है सर?
जी बोले सर, ये भी एग्जांपल है। जी बेटा एग्जांपल क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब देखें आपका आंसर आ रहा है 4893 के नंबर को सपोज करने पर, तो इसका मतलब ये आपका आंसर नहीं हो सकता। बेटा क्या आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? यस सर। यस सर। सही है। तो अब थ्री का मतलब ज्यादा नंबर आ रहा है, 489 406 से बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब थ्री का जो नंबर हमने सपोज करा वो नंबर हमारा गलत है, हम इस नंबर को सपोज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे भाई, टू को सपोज करेंगे। ठीक है, तो टू टू जा फोर, टू सिक्स वन कैरी, टू वन जा टू और वन एट, थ्री टू फोर, और नंबर आपने क्या सपोज करा था टू, तो एक आंसर साइड पे भी लिख देंगे टू। अब यहाँ माइनस करवा दो, यहाँ पे प्लस करा दो, तो यहाँ हो जाएगा 164 प्लस कराओगे तो 164 हो जाएगा, तो इसको कैरी देगा। सर आपकी आवाज बहुत रुक रुक कर आ रही है। ये नेट की डिवाइस दीजिएगा उठा के, नेट की डिवाइस मैं यहाँ दे दूँ, यहाँ वहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। अच्छा जी, इसके बाद आपका जो आखिरी में करवा रहे हैं हम, देखें